छत्तीसगढ़ की सियासत में धान खरीदी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी, इसी पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। तो धान खरीदी पर सियासी घमासान छत्तीसगढ़ की सियासत में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में शानदार बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, ये बात पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं। किसानों की फसल भी काफी अच्छी हुई है, अच्छी पैदावार हुई क्योंकि बारिश अच्छी हुई। 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए, ये मांग दीपक बैज कर रहे हैं कि प्रदेश के भीतर फसल अच्छी होने से सरकार 200 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करे। पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने इस पर पलटवार किया, करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के धान खरीदी बढ़ाने के मामले पर राजेश मूणत का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार 1,40,000 क्विंटल धान खरीदेगी। सरकार धान खरीदी की व्यवस्था पर काम कर रही है, सुनिश्चित व्यवस्था करने पर काम हो रहा है। तो कांग्रेस को इतिहास पढ़ना चाहिए। आरोप लगाने से पहले ये बात भी उन्होंने कही, कितने हजार क्विंटल धान कांग्रेस के कार्यकाल में सड़ गया, कितना खरीदा गया। ये बात राजेश मूणत ने कही है, काउंटर कांग्रेस पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में बारिश अच्छी हुई, किसानों का फसल बहुत अच्छा है। इस कंडीशन में जिस तरह से सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए, मैं समझता हूँ क्यों 15 नवंबर से, बल्कि 1 नवंबर से धान की खरीदी होना चाहिए। इसलिए सरकार को धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 200 लाख मीट्रिक टन करना चाहिए, खरीदी करना चाहिए, ताकि जिस तरह से ये सरकार किसानों से वादे करके आई है उस हिसाब से किसानों का एक एक दाना धान खरीदना चाहिए। इसलिए हम लगातार मांग करते आ रहे हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए। 1,40,000 क्विंटल धान छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है और सरकार कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ का एक एक दाना धान खरीदने के लिए। नेता प्रतिपक्ष जी ने जो आरोप लगाए हैं उसके पहले के इतिहास को पढ़ ले सब, कि उनके कार्यकाल में कितना धान सड़ा, हजारों क्विंटल धान उनके कार्यकाल में सड़ा। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने टेंडर भी निकाला था। उस समय के कार्यकाल में जितने भी प्रकार के धान घोटाले हुए हैं, क्या नेता प्रतिपक्ष उस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे? इसी खबर पर संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर धान खरीदी का मुद्दा गर्मा गया है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बीच इस पर सियासी दनादन भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने मांग की कि 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए क्योंकि प्रदेश के भीतर मूसलाधार बारिश हुई, बम्पर पैदावार हुई है, इसी की वजह से, बारिश की वजह से, इसलिए सरकार को मीट्रिक टन जो धान खरीदी हुआ करती थी उसमें 200 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होना चाहिए, मांग कांग्रेस ने की है। अब इस पर काउंटर नैरेटिव बीजेपी ने भी खड़ा किया है। जी बिल्कुल, देखिए धान सियासत हो रही है धान को लेकर के। प्रदेश में अब जल्दी धान खरीदी शुरू होने वाली है, सरकारें धान खरीदती हैं, किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाता है और इसी चीज़ को लेकर हमेशा सियासत भी हावी रहती है। दीपक बैज ने कल ही एक बयान में कह दिया था कि जो प्रदेश सरकार है उसे घोषणा कर देनी चाहिए कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी, क्योंकि इस बार प्रदेश में बारिश भी अच्छी हुई है, किसानों की जो है वो फसल भी अच्छी हुई है, तो 1 नवंबर से ही धान खरीदी शुरू कर देनी चाहिए और इस बार जो पूरा टारगेट होना चाहिए धान खरीदी करने का वो 200 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सियासत में अब मांग की जा रही है धान खरीदी की तारीखों को लेकर के। इस पर जब बीजेपी का सवाल जवाब आया तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को पहले इतिहास अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जो धान खरीदी हुई थी कांग्रेस के समय में उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है और कहीं ना कहीं ये भी बीजेपी कह रही है कि जो धान खरीदी होती थी या जो धान खरीदी होगी उसको लेकर के सरकार एक एक कतरा धान खरीदने के लिए तैयार है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी किसान
परेशान नहीं है, किसान की फसल तैयार हो रही है, किसान सरकार जल्द ही इस चीज़ को लेकर के धान खरीदी शुरू कर देगी, अभी जल्दबाजी ना करें, तो कहीं ना कहीं सियासत में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो 3 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दिन ये कहा था कि प्रदेश में लगभग 1037 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धान खराब हो चुकी है, और इसका आरोप लगाया था कि जब 10 महीने की सरकार ने धान का ठीक से रख रखाव नहीं किया गया, अगर धान भंडारण केंद्र में पड़ी है या फिर धान खरीदी केंद्र में पड़ी है तो वहाँ से वो मिल तक नहीं पहुँच पाई, उसकी मिलिंग नहीं हो पाई, इसलिए जो है 1037 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो राज्य सरकार का हुआ है। ये 3 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसी दिन ये भी मांग की गई थी कि मुख्यमंत्री चाहे तो अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकते हैं, मंत्री पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जब इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से नहीं आई तो 2 दिन पहले ही इसी चीज़ को लेकर के डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को लेटर लिखकर भी कार्रवाई की मांग की है कि जांच किया जाए पूरे विषय का कि किसके वजह से, किसकी जिम्मेदारी से 1037 करोड़ रुपए की जो धान है वो खराब हो चुकी है। तो धान एक सियासत का बेहद गंभीर मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए, खासकर जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब समर्थन मूल्य को लेकर के बीजेपी कांग्रेस आमने सामने थे, अब जब बीजेपी की सरकार बन चुकी है तो अब धान खरीदी रख रखाव और धान खराब होने को लेकर भी सियासत हो रही थी। अब इसी बीच जो है धान खरीदी शुरू करने को लेकर के उसकी मांग कर दी गई है, तो कांग्रेस और बीजेपी जो है वो धान को एक बड़ा मुद्दा हमेशा से बनाते हैं और किसानों को से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए किसान सबसे ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित होते हैं, इसलिए ज़्यादातर सियासत में इस चीज़ की गूंज गूंज रहती है। आज भी बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, बीजेपी की तरफ से राजेश मूणत ने दीपक वैज की मांग का जवाब दिया है, उन्होंने यही कहा है कि जो धान खरीदी है वो उचित समय में शुरू हो जाएगी और सरकार इस बार एक एक कतरा धान खरीद लेगी। जी बिल्कुल शिवम, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1000 करोड़ से ज़्यादा की धान खराब हो गई, सड़ गई, जिम्मेदारों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कांग्रेस से पत्र लिख रही है, सरकार ने इस पर क्या कुछ जाँच की, पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये भी कि अब किसानों के खेत में धान खड़ी है, 1 नवंबर से मांग की जा रही है कि धान खरीदी होना चाहिए, तो ऐसे में सरकार क्या कुछ कदम उठाने जा रही है इन दोनों मसलों पर? जी बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार बैठक कर रही थी, जब पिछले बार कैबिनेट की बैठक हुई थी तब भी इस चीज़ में धान खरीदी और किसान को लेकर के चर्चाएं हुई थी, और हमेशा से जब से 10 महीने की सरकार बनी है तो सरकार कभी ना कभी किसी न किसी पक्ष में जो है किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर के हमेशा से गंभीर रही है। जब बारिश हो रही थी तब भी सरकार ने इस विषय को लेकर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को निर्देश दिए थे, खुद विष्णुदेव साय ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो है बैठक ली थी और अहम निर्देश दिए थे। अभी जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है वो उनका कहना है कि जो धान खरीदी जून 2023 में हुई थी उसको लेकर के जो भंडारण किया गया था उसका सही समय में उठाव नहीं हो पाया, चूंकि मिलिंग नहीं हो पाई और वो मिलिंग से फिर वो धान जो है वो वहाँ मिल पर नहीं पहुँच पाया, उसका चावल नहीं बन पाया, इसलिए वो धान खराब हो गई, अब खाने योग्य नहीं है। इसी चीज़ को लेकर सियासत गरमाने की कोशिश की गई थी, सियासत में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसके बाद कांग्रेस ने कई सवाल सरकार से पूछे थे कि आखिर इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है, क्या मुख्यमंत्री इस चीज़ को लेकर के अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, क्या मंत्री इसके जिम्मेदार हैं, तो मुख्यमंत्री क्या मंत्रियों पर भी कार्रवाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो खराब हुई है धान 1037 करोड़ की माफ़ कीजिएगा, तो वो धान किसकी लापरवाही से खराब हुई है, इस चीज़ को लेकर के डॉक्टर चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने सवाल उठाया था सबसे पहले। अब उन्होंने फिर से एक बार लेटर लिखा था, जब राज्यपाल रमेन डेका को लेटर लिख करके मांग की कि इस पूरे विषय की जानकारी लेनी चाहिए, साथ ही जांच होनी चाहिए कि आखिर किस वजह से राज्य सरकार को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, 1037 करोड़ किसानों से जुड़ा हुआ पैसा है, वो किसानों के पास पहुंचना चाहिए था, वो उसका किसी को भी जो जनता का पैसा सरकार के पास एकत्रित हो रहा है उसी से कहीं ना कहीं इस चीज़ की भरपाई की जाए, क्योंकि राज्य सरकार को एक क्षति है। तो जब धान की जब भी बात आती है तो ये विधानसभा में भी अहम मुद्दा रहा है, लोकसभा चुनाव में भी अहम मुद्दा रहा है, सियासत के गलियारों में भी जब भी ज़्यादा बारिश होती है या फिर नेता आमने सामने होते हैं तो धान और किसान को ही अहम मुद्दा बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के इतिहास के पन्नों से अगर बात करें तो धान हमेशा से सियासत का केंद्र रहा है, और ये घटना पहली नहीं है, पिछली सरकार में कई बार बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि धान उनके भंडारण केंद्र में रखे रखे सड़ चुकी है, वो भी खाने योग्य नहीं है, तमाम चीज़ों को लेकर जांच के वादे
और जांच की मांग हमेशा से किया रहे हैं। इतिहास के पन्नों की अगर जिसे राजेश मूणत जी बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से ही चला आ रहा है कि इतिहास से ही चला आ रहा है कि जो धान खरीदी को लेकर के मांग हो या धान खराब होने को लेकर मांग हो तो इस चीज को लेकर सियासत में बातचीत होती रहती है। बिल्कुल, तो धान किसान सियासी घमासान मचा हुआ है, इतिहास के पन्ने करप्शन गड़बड़ घोटाले घपलों से भरे पड़े हैं। अब खबर ये जो है कि एक हज़ार करोड़ से ज़्यादा की धान खराब हो गई, सड़ गई, उस पर अभी तक कोई एक्शन सरकार ने नहीं लिया। अब फिर से धान खरीदी होने जा रही है तो उसको लेकर सरकार ने क्या मुकम्मल व्यवस्थाएं की हैं, किस तरह से उस धान के भंडारण की व्यवस्था होगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद शिवम तमाम जानकारी के लिए।